हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, किसी कारण से मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी एंड दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ आपके समक्ष। आप सभी फिर से रेडी हो जाइए अपना प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि आपका अभ्यास ही आपको महान बना सकता है। अभ्यास एक ऐसा चीज़ है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार यस स्टेट दे के आए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। अब दिन प्रतिदिन लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पढ़ाया हुआ नहीं आया था। किन्सियोलॉजी से पूरा क्वेश्चन, नॉक नी बाउ लेग फ्लैट फुट, इन सभी से क्वेश्चन था एंड ज्वाइंट से क्वेश्चन था एंड पर्सनालिटी से क्वेश्चन था। हर एक चीज़ से क्वेश्चन था जो आप पढ़े थे, जो मैंने अपने थ्योरी सेशन में डिटेल में बताया हुआ भी है एंड एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आप हमेशा रेडी रहिए कि कितना भी कठिन इस तरह आ जाए मैं उसको पार कर जाऊंगा, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं। आज का टॉपिक है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनालिटी, खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत। मैंने यह यूथ कंपटीशन के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन है, जिसमें आपको मुख्य मुख्य क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें से मैंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी एंड अधिगम यानी लर्निंग से रिलेटेड वीडियो बना दिया है। यह है पर्सनालिटी। जैसा कि दोस्तों, खेल मनोविज्ञान, किन्सियोलॉजी एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग, इन्हीं से 3-4 टॉपिक से बस लेकर के बिहार या स्टेट में क्वेश्चंस बनाए हुआ था। अब और इसी से रिलेटेड, जैसे कि आप पूरा मतलब पढ़िए, एग्जाम में कौन सा टॉपिक ज़्यादा देगा कम देगा उससे मतलब मत रखिए, आपका तैयारी फुल होना चाहिए। तो चलते हैं समय नष्ट न करते हुए क्वेश्चंस के तरफ। दोस्तों, पर्सनालिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सनालिटी व्यक्तित्व, जिससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, आपको पता है कोई भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम हो इससे अवश्य क्वेश्चंस आते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। तो असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविश्लेषण। क्या कहलाता है? मनोविश्लेषण। और मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी को किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इन्होंने व्यक्ति के, असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया था। सिगमंड फ्रायड पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे। और ये क्या कर किए? मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज करते समय उसने यह पाया कि मानसिक रूप से असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में बचपन से उत्पन्न आधारभूत आवश्यकताएं तथा भय होते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भय का निराकरण न होने के कारण मन में भीतरी हिस्सों में वे दब जाते हैं। क्या समझिए आप, कि बचपन में ही मानसिक रूप से असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में कुछ आवश्यकताएँ या भय उत्पन्न हो जाते हैं, और जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भय का निवारण नहीं होता है तो वो हमारे अंदर दबे रह जाते हैं। और उक्त भय तथा आवश्यकताएँ कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद चिंता तथा मानसिक विकारों का रूप में उभर कर सामने आती हैं। यही मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ने का कारण बनती है, जिसे मनोविश्लेषण कहते हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक शरीर के प्रकार को किसने प्रस्तावित किए थे? तो ये सेल्डन, क्रेसमर, हिप्पोक्रेटस, स्पेंजर, कार्ल यंग, 100% इन चारों में से कोई एक अवश्य पूछता है। तो पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक को, पर्सनालिटी को किसने बांटा है दोस्तों? तो इसको बांटा है क्रेसमर ने। कस्टमर ने 4 बॉडी टाइप बांटा है। कौन कौन से दोस्तों? पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक एंड डायस्प्लास्टिक।
पिकनिक जो होता है इसी गोल काय शरीर वाले कहते हैं, एथलेटिक को सुडोल काय एंड अस्थेनिक को लंब काय एंड डायस्प्लास्टिक को इन तीनों का मिश्रण होता है। जो पिकनिक होता है गोल काय, जैसे कि कहने से ही पता चल रहा है कैसा है इसका पर्सनालिटी, इसकी विशेषता, ये कद छोटा, चेहरा गोल, शरीर मोटा, मिलनसार होती है, बहिर्मुखी, विनोद प्रिय, आराम तलब होती हैं। इसको साइक्लोमेटिक भी कहते हैं, याद रखिए। बहुत बार पूछ देगा कि किस पर्सनालिटी टाइप को साइकोमैटिक कहते हैं, तो पिकनिक को, गोल काय को। एंड दूसरा इन्होंने बताया एथलेटिक, जिसे सुडोल काय कहते हैं, जो हर चीज़ में परफेक्ट होता है, जैसे कि शरीर बलवान होता है, पेशियां मजबूत होती हैं, अस्थि पंजर सशक्त होता है, सीना चौड़ा होता है, शरीर का जो विकास होता है संतुलित होता है, चुस्त फुर्तीले, जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण, समाज के साथ समायोजन करने में सफल होते हैं। अस्थानिक जो होते हैं वो लंबकाय होते हैं, जिसमें लंबे दुबले पतले होते हैं व्यक्ति, जो आत्मकेंद्रित, स्वप्नदृष्टा, बुद्धिजीवी, एकांत प्रिय होते हैं। और चौथा इन्होंने बांटा है डायस्प्लास्टिक, जो उपरोक्त तीनों का यानी कि पिकनिक, एथलेटिक, अस्थानिक का मिश्रण होता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन है, आपके व्यक्तित्व के सबसे मूलभूत स्तर को क्या कहा जाता है? तो किसी के भी व्यक्तित्व के सबसे मूलभूत स्तर यह होगा कि उसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। मनोवैज्ञानिक आधारभूत ही आपके व्यक्तित्व के सबसे मूलभूत स्तर कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का केंद्रीय, आंतरिक और सुसंगत हिस्सा है मनोवैज्ञानिक आधारभूत। इसमें एक व्यक्ति की आत्मधारणा, बुनियादी मूल्य, दृष्टिकोण और उद्देश्य शामिल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमोर्फ में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? दोस्तों, जैसा कि एंडोमोर्फ, जिसे एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एक्टोमोर्फ, इस तीनों बॉडी टाइप को बांटा है सेल्डन ने, जैसा कि आपके बिहार या स्टेट में दो बार वही क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, जिसका आंसर एंडोमोर्फ ही था, ठीक। तो एंडोमोर्फ की विशेषता बोल रहा है, इन्होंने तीन बॉडी टाइप बांटा हुआ है, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ एंड एक्टोमोर्फ। एंडोमोर्फिक को, यानी कि एंडोमोर्फिक को अंतरंग प्रधान यानी कि विसेरोटोनिक यानी गोल काय कहते हैं, जिसमें शरीर मोटा व कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति, आराम तलब, विनोद प्रिय, मिलनसार होते हैं। यह दोस्तों उन खेलों में ज़्यादा इनका लाभदायक होता है जिसका संबंध मुख्य रूप से ताकत से होती है, जैसे पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, सुमो कुश्ती आदि से। लेकिन जिसमें सहनशीलता वाला होता है उसमें नकारात्मक प्रभाव होता है, जैसे कि एजिलिटी, स्पीड, इस समय वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते एरोबिक क्षमता वाले खेलों में। एंड पेशी प्रधान मेसोमोर्फिक को सोमेटोटोनिक भी कहा जाता है, जिसमें अस्थि पंजर व पेशियाँ स्वस्थ विकसित होती हैं, वजन अच्छा फुर्तीला होता है, साहसी, उत्साही, निरल, सशक्त, अधिकारपूर्ण कठिनाई में अधिक सक्रिय होते हैं। ये जो मेसोमोर्फिक होते हैं यह ताकत, चपलता तथा चाल से संबंधित एरोबिक खेलों के लिए अच्छा होते हैं। एंड तीसरा बॉडी टाइप है सेल्डन का अस्थि प्रधान संरचना एक्टोमोर्फिक, जिसे हम सेरेब्रोटोनिक प्रमस्तिष्क प्रधान भी कहते हैं। ये लंबा, दुबला, कमजोर और सुंदर होते हैं, एकांत प्रिय, असामाजिक व अंतर्मुखी, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, दूसरों की सहायता लेने की अपेक्षा दूसरों से अपनी सीमाओं में रहना पसंद करते हैं या प्रयास करते हैं। ये ज़्यादातर सहनशीलता, एंड्योरेंस वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जैसे कि क्रिसमर ने पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक और सेल्डन ने एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक में पर्सनालिटी को डिवाइड किया है, जिसमें से आप एक का याद कर लिए तो दोनों का याद है। जैसे कि जो विशेषता क्रिसमर के पिकनिक का है वही विशेषता सेल्डन के एंडोमोर्फिक का है, जो विशेषता क्रिसमर के एथलेटिक का है वही विशेषता सेल्डन के मेसोमोर्फिक का है, जो विशेषता क्रिसमर के एस्थेनिक का है वही विशेषता सेल्डन के एक्टोमोर्फिक का है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि
कि एंडोमॉर्फिक में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है, तो ये क्या करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछ देता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व अवश्य करना चाहिए। हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर क्लियर रखिए, क्योंकि क्लियर जब तक नहीं रहेगा वहाँ पर जाके ऑप्शन दे के फंस जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अपनी योग्यता का आधी मूल्यांकन करते हैं। साहसीय स्पष्ट विचार वाले तो मेसोमॉर्फिक हो जाएंगे। आप विरोध न करने एवं एक ही लीक पर चलने वाले अपनी योग्यता का कम मूल्यांकन ये नहीं होगा। होगा क्या, यह अपनी योग्यता का आधी मूल्यांकन करते हैं एंडोमॉर्फिक वाले, ये राइट रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य देखिएगा, ये UPPGT 2021 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों व्यक्तित्व के मुख्य रूप से चार घटक होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशियल, यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एंड सामाजिक। तो यहाँ पे शारीरिक दिया है, मानसिक दिया है, सामाजिक दिया है, बट यहाँ पे धार्मिक यह व्यक्तित्व का घटक नहीं है। याद रखिएगा कितने घटक हैं व्यक्तित्व के, चार, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशियल, यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एंड सामाजिक। दोस्तों मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिससे वीडियो देखते ही आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन भर की गतिविधियों में परिवर्तन एवं व्यवहार की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवन भर हमेशा कौन चलता रहता है, वृद्धि की विकास कौन चलता रहता है। तो जीवन भर की गतिविधियों में परिवर्तन एवं व्यवहार की उत्पत्ति के अध्ययन को कहते हैं गामक विकास। क्या कहते हैं, गामक विकास, यानी जीवन भर की गतिविधियों में परिवर्तन एवं व्यवहार की उत्पत्ति के अध्ययन को गामक विकास कहते हैं। गामक अथवा क्रियात्मक, जो आप क्रिया करते हैं, मोटर जो क्रियाएं होती हैं उनका विकास का अर्थ है गति क्रियाओं के ऐसे क्रमिक विकास से हैं जिसमें वह अपनी शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार सक्रिय रहता है और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहता है। इस प्रक्रिया में मांसपेशियों का बहुत अधिक योगदान रहता है। जहाँ गामक का मोटर शब्द आ जाए वहाँ आपकी मांसपेशियों के कार्य की बात कर रहा है वो। एंड नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं निम्न कारण हैं। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, उस पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव होता है। जिससे वंशानुक्रम माता पिता जैसे होंगे उसके कुछ गुण होंगे बच्चे में, एंड जिस वातावरण में पर्यावरण में पला बढ़ा होगा उसका वैसा ही पर्सनालिटी होगा, वैसा ही उसका चरित्र होगा, उसका व्यवहार होगा। तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है एक दूसरे में डिफरेंट होता है वह वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव से होता है, यानी कि नेचर एंड नर्चर, यानी कि प्रकृति एंड पोषण, जो हमारी हेरिडिटी होती है उस वो हमको क्या करती है, शक्ति देती है, बट उसको पोषण कौन करता है, पर्यावरण। एंड नेक्स्ट है, कोल्सनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया है। तो कोल्सनिक ने मानव विकास की जो अवस्था है उसको उन्होंने 8 भागों में डिवाइड किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टवर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, आप आंसर देते जाइए। यहाँ पे कौन है क्रिस्टवर के अनुसार नहीं है, तो दोस्तों गोल काय है जिसे पिकनिक कहा जाता है उनके शब्दों में, सुरोल काय है जिसे एथलेटिक कहा जाता है उनके शब्दों में, लंब काय है जिसे एस्थेनिक कहा जाता है। ये तीनों है व्यक्तित्व का प्रकार क्रिस्टमर के अनुसार, बट अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट यह है कार्ल यंग ने दिया है, इसलिए यह नहीं है। एंड नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मिलान करना है एक सूची से दूसरी सूची में। तो सबसे पहले यहाँ पे उस चीज़ को मिलाइए दोस्तों जो आपको आता है। यहाँ पे आप सबको आ रहा है कि व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक हैं वाटसन,
यानी सी का फोर हो जाएगा। जहाँ भी सी का फोर दिख रहा है वहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से आप सही आंसर पकड़ लिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, सांप्रतिक सिद्धांत, इसको दिया था रोजर्स ने। बी है मनोगतिक सिद्धांत, इसको दिया है एडलर ने। एंड व्यवहारवादी सिद्धांत वाटसन ने दिया है। एंड लक्षण सिद्धांत को दिया है अल्फोर्ट ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अभिकथन से रिलेटेड है। जैसा कि आप बिहार स्टेट तो दे लिए हैं, बट इसमें सभी लोग पास हो जाएंगे, 70% लोग पास हो सकते हैं। लड़कियों के लिए तो 40% है, 60 क्वेश्चन ही लाना है। तो जो मेन एग्जाम होगा वो इतना आसान नहीं होगा, उसमें सही प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप सभी कठिन से कठिन स्तर को और इजी से इजी स्तर को दोनों को हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं है कि आप इजी वाला छोड़ देंगे, क्योंकि इजी वाला ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। ऐसा एग्जाम में नहीं होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाए, ठीक है। तो अभिकथन है कि कार्योन्मुखी अति सक्रिय तथा प्रबल व्यवहार वह है जिसका उद्देश्य किसी को लय प्राप्ति हेतु चोट पहुंचाना नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, अभिकथन ए। आर तर्क है कि इसका उद्देश्य किसी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति है जिसमें आकस्मिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचती है। तो ऐसा लक्ष्य कभी उद्देश्य नहीं होना चाहिए जो जिस दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचे। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि ए सही है बट आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, प्रथम चरण में तकनीकी प्रशिक्षण के प्रभावी सूत्रीकरण और कार्यान्वयन का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे आपको तकनीकी प्रशिक्षण के कुछ दिए गए हैं जिसमें से आपको उसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है गति संवेदी अवबोधन पर कमजोर, संचलन अवधारणा का विकास, वर्तमान अवस्था का विश्लेषण, आसान परिस्थितियों में अभ्यास। तो यहाँ पे आप इसको सीरियल वाइज से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप तो अपने आप के वर्तमान अवस्था का विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप वर्तमान अवस्था का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले वर्तमान अवस्था का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, संचलन अवधारणा का विकास करेंगे, फिर गति संवेदी अवबोधन पर कम जोर देंगे, फिर अभ्यास आपका लास्ट में आ जाएगा, फिर आसान परिस्थितियों में अब अभ्यास करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि शरीर प्रकारों के वर्गीकरण के विकास के वर्ष के संबंध में आरोही क्रमानुक्रम का निम्न में से कौन सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे देखना है आपको, सही अनुक्रम है हिप्पोक्रेटस, सबसे पहले वाली टाइप को चार भागों में बांटा, क प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले एंड अधिक रुधिर वाले। फिर आपके आए क्रेस्टमर, जिन्होंने चार बॉडी टाइप में बांटा, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डैश प्लास्टिक। फिर आए शेल्डन, जिन्होंने तीन बॉडी टाइप में बांटा, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक। उसके बाद हिथ, कार्टर, सिमोटो टाइप इन्होंने लाया। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति संबंधी परीक्षण, शक्ति संबंधी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग निम्नलिखित सिद्धांतों को उसके लाभकारी प्रभाव के साथ सुमेलित करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत जो है यहाँ पे हो जाएगा ए का फोर, मनोवैज्ञानिक स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक स्वस्थता पर सकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है दोस्तों,
एंड विशिष्टता का सिद्धांत हो जाएगा। बी का 3 यानी कि अधिक अनुकूलन प्राप्त करना, एंड सी है व्यक्तिकता का सिद्धांत जो आपका हो जाएगा सी का 1 यानी तैयारी की अवस्था निर्धारित करना। डी है भार के आरोहण का सिद्धांत, तो भार के आरोहण का सिद्धांत होगा बढ़ी हुई कार्य क्षमता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न को मिलान कीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कालक्रमिक आयु, रचना आयु, शरीर क्रिया विज्ञान आयु एंड मानसिक आयु, ये चीज़ें दिया हुआ है। तो जैसे कि मनोविज्ञान तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने के लिए 4 प्रकार में बांटा गया है, कालक्रमिक आयु, शरीर रचना आयु, शरीर क्रियात्मक आयु एंड मानसिक आयु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों की शारीरिक क्षमताओं तथा सामर्थ्य के अनुसार इसका हो जाएगा शरीर क्रिया यानी कि कार्य करने के सामर्थ्य के अनुसार, तो शरीर क्रिया विज्ञान आयु इससे ज्ञात करेंगे। तो सी का 1 हो जाएगा, यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। एंड जो आपका कालक्रमिक आयु होता है वह वर्ष माह और दिनों में, वर्ष माह और दिनों के अनुसार बच्चे की आयु ज्ञात की जाती है, तो ए का 2 हो जाएगा। एंड शरीर रचना आयु में एनाटॉमिकल एज भी कैसे ज्ञात किया जाता है, अस्थियों दांतों की गणना करके ज्ञात किया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चे की मानसिक विकास के अनुसार, नहीं नो मानसिक विकास के अनुसार यहाँ पे नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चे की कंकाली प्रणाली की वृद्धि और विकास के अनुसार शरीर रचना आयु यानी कि एनाटॉमिकल एज ज्ञात किया जाता है। एंड डी है मानसिक आयु, जिसमें से बच्चे के मानसिक विकास के अनुसार आयु को ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार आपको 4 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो थोड़ा डिटेल कर देते हैं, कई बार मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है खेल मनोविज्ञान वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं थ्योरी सेशन में। कालक्रमिक आयु जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, यह जन्म से लेकर आज तक यानी कि जन्म से लेकर वर्षों महीनों दिनों में मापा जाता है, जिसे कैलेंडर आयु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो मैं बता रही हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, आप देख लीजिएगा। तो याद रखिए, सीधा सीधा याद मत कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कालक्रमिक आयु को और क्या क्या कहते हैं, कैलेंडर आयु के नाम से भी जाना जाता है, मार्कशीट आयु, स्कूल आयु एंड आदि नामों से इसको जाना जाता है। एंड जो एनाटॉमिकल एज रचना आयु होता है, या ऑसिफिकेशन ऑफ बोन यानी कंकाल और अस्थियों की परिपक्वता पर आधारित होता है, दांतों की गणना करके स्केपुला अस्थि के आधार पर एज की गणना की जाती है, यानी कि एज की गणना के लिए दाहिने हाथ की जो रेडियल बोन होती है उसका प्रयोग, इससे एड़ी की आयु ज्ञात की जाती है, इससे हड्डी की जो हमारे दाहिने हाथ की रेडियल बोन होती है इससे हड्डी की आयु ज्ञात की जाती है, इसलिए इसे एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व होता है, इस युक्ति का संबंध किसके सिद्धांत से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व क्या है, होता है, इस युक्ति का संबंध किसके सिद्धांत से है, तो इस युक्ति का संबंध जो है वह है हेनरी मर्रे का व्यक्तित्व सिद्धांत में। उन्होंने कहते हैं कि व्यक्तित्व होता है, यानी व्यक्तित्व का इतिहास से ही स्वयं व्यक्तित्व होता है, इन्हीं के अनुसार हेनरी मर्रे के अनुसार। इस युक्ति का संबंध हेनरी मर्रे के व्यक्तित्व सिद्धांत से है। हेनरी मर्रे को नव फ्रायडवादी उपागम की श्रेणी में रखा गया है। हेनरी मर्रे द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व की आवश्यकता सिद्धांत में प्रेरणा को एक ऐसा गत्यात्मक बल माना गया है जो व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे केवल ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चंस किसी कारण पर यहाँ पे इसे हट गया है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, तो कौन थे, सिगमंड फ्रायड थे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है, तो वो है मैस्लो। व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता अब्राहम मैस्लो हैं। कई बार पूछा जाता है मैस्लो जी का क्वेश्चंस। अब्राहम मैस्लो जो है मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने जा रहे हैं गए हैं। मैस्लो ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में प्राणी के अनूठापन का, उसके मूल्यों के महत्व पर तथा व्यक्तिगत वर्धन तथा आत्मनिर्देश की क्षमता पर सर्वाधिक बल डाला है। इस बल के कारण ही उनका मानना है कि संपूर्ण प्राणी का विकास उसके भीतर से संगठित ढंग से होता है। इन आंतरिक कारणों की तुलना में वह कारकों जैसे गत अनुभूतियों का महत्व नगण्य होता है। मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका अभिप्रेरण सिद्धांत है। इनका विश्वास था कि अधिकांश मानव व्यवहार की व्याख्या कोई न कोई व्यक्तिगत लक्ष्य पर पहुँचने की प्रवृत्ति से निर्देशित होता है। मैस्लो का मत था दोस्तों कि मानव अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं और उन्हें प्राथमिकता या शक्ति के आरोही पदानुक्रम में सुव्यवस्थित किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप उसको सबसे पहले मिलान कीजिए जो आपको आता है। तो एथलेटिक बॉडी टाइप की खोज किसने किया था, तो पिकनिक एथलेटिक एस्थेनिक को बांटा था क्रेस्टमर ने, तो बी का हो जाएगा फोर क्रेस्टमर, यानी बी का फोर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बी का फोर। तो एथलेटिक क्या हो जाएगा, एथलेटिक आपका हो जाएगा क्रेस्टमर, तो वी का फोर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और डी में देखते हैं कौन राइट रहता है। इंट्रोवर्ट यानी कि इसको दिया था इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को कार्ल जुंग ने, तो सी का थ्री हो जाएगा, तो वी का फोर सी का थ्री। एंड आपको एक्टोमॉर्फिक को किसने बांटा था, तो एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक को बांटा था सेल्डन ने, तो ये हो जाएगा सेल्डन, डी का वन हो जाएगा। एंड अब बचता है एक, तो जो बचता है नहीं आ रहा है तो भी आप लगा लेंगे, तो एसेंडेंट को बांटा है अल्पोर्ट ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल है क्या है शामिल दोस्तों, व्यक्तित्व की विशेषताओं में, तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में यहाँ पे व्यवहार का विशिष्ट रूप, चिंतन की विधियाँ, कार्य करने की विधियाँ, पर्यावरण से संवाद करने की विधियाँ, लेकिन इसमें दो ही आपका राइट है। तो यहाँ पे व्यवहार का विशिष्ट रूप और चिंतन की विधियाँ, उसका व्यवहार का विशिष्ट रूप कैसा है, किस प्रकार की चिंतन करता है, ये आपकी व्यक्तित्व की विशेषता में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, सूची एक को टू से आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट है। इस प्रकार से आपको ये एनटीए यूजीसी फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चंस है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टीजीटी लेवल पर नहीं पूछेगा, फिर भी देख लेते हैं। प्रगामी शिथिलन इसका होगा एडमंड जैकबसन ने इसको दिया है, एडमंड जैकबसन ने, ए का थ्री हो जाएगा। एंड शिथिलीकरण अनुक्रिया, शिथिलीकरण अनुक्रिया को संबंध है हर्बर्ट बैंसन से, यानी टू का फोर हो जाएगा। स्वजात प्रशिक्षण, स्वजात प्रशिक्षण आपका जोहान सूल्ज से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, स्वजात प्रशिक्षण जोहान सूल्ज से रिलेटेड है। डी है संज्ञानात्मक भावनात्मक विकृति,
या तनाव प्रबंधन तकनीक, ये संबंधित है आपका रोनाल्ड स्मिथ से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन से रिलेटेड। दोस्तों अभिकथन ये है कि आक्रामकता व्यक्तित्व का लक्षण है जिसे एथलीट की सफलता से संबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आक्रामकता व्यक्तित्व का लक्षण है, सही बात है। आक्रामकता जो अग्रेसन हो जाता है इंसान, ये व्यक्तित्व का एक लक्षण है जिसे एथलीट की सफलता से संबद्ध किया जाता है। तो ये आपका तो राइट लग रहा है, यानी कि अब बी आर तर्क देखते हैं कि खेलों में आक्रामकता बढ़ी हुई व्यावसायिकता का सीधा परिणाम है जिससे वित्तीय इंसेंटिवेस प्राप्त होते हैं। आर भी तो सही है, बट इसका ये जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इसको बताना चाहिए कि कैसे एथलीट की सफलता से संबंध है आक्रामकता, बट ये दूसरे वेब में ले गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर दोनों सही है, ए और आर, ए और आर यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, बट आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बंडूरा, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। हर्बर्ट बंडूरा के अनुसार व्यवहार का अधिगम चार चरणों में होता है, कौन से चार चरणों में होता है दोस्तों, इसको सीरियल नंबर से बताइए आप। तो इनका चार चरण होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। सबसे पहले ये कहते हैं चार चरणों में इनका होता है, पहले मनोयोग, फिर प्रतिधारण करना, फिर पुनर्उत्पादन, फिर प्रबलीकरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर वर्गीकरण की प्रणाली की खोज करने वाला सर्वप्रथम ज्ञात व्यक्ति कौन है, तो वह है आपका विलियम सेल्डन, जो शरीर को सोमेटोटाइप में यानी तीन पर्सनालिटी में इन्होंने बांटा है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एंड नेक्स्ट है तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना मनुष्य का कौन सा गुण कहलाता है, तो वह एक पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व से रिलेटेड है, यानी व्यक्तित्व सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने का एक तरीका है, विशिष्ट तरीका है। इसी पर तो हम जज करते हैं कि इसका पर्सनालिटी कैसा है, कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है, कैसा विचार करता है, ठीक है। यानी व्यक्तित्व मूड, दृष्टिकोण और विचारों को गले लगाता है और अन्य लोगों के साथ बातचीत में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। इसमें व्यवहार संबंधी विशेषताएँ शामिल हैं जो अंतर्निहित और अधिग्रहित होती हैं। तो ये क्या है आपका एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको व्यवहार होना चाहिए, दोनों चीज अच्छा लग रहा है, बट व्यक्तित्व में सभी कुछ आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर सभी शामिल हैं। तो एथलेटिक व्यक्तित्व तो जो होता है उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, वो बहिर्मुखता होता है, लड़ने की भावना, के मतलब ये नहीं है कि लड़ने की भावना, यानी कि जहाँ जरूरत हो वहाँ लड़ने की भावना होता है, बट आत्मसमर्पणता नहीं होता है, आत्मसमर्पणता ये अच्छा गुण नहीं है। यानी कि एथलेटिक की व्यक्तित्व की विशेषता आत्मसमर्पणता नहीं होती है, इसमें होती है आपको हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होना होगा, यह अनुशासन लेता है, प्रतिस्पर्धा होती है, आत्मविश्वास लेता है, ध्यान केंद्रित करता है, अच्छा समय प्रबंधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेसोमॉर्फिक की विशेषता होती है, तो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक तो गोल का है शरीर वाला होता है, छोटा मोटा कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति वाला, विनोद प्रिय, मिलनसार, बट मेसोमॉर्फिक क्या होता है, मजबूत शरीर वाला होता है,
अस्थि पंजर पेशिया मजबूत, स्वास्थ्य अच्छा, वदन फुर्दिला, साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकारपूर्ण कठिनाई में अधिक सक्रिय होता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का सही आंसर दे दिए होंगे। चलिए, आपने दे दिया है, अब मैं बताती हूँ इसका आंसर है गर्दन मजबूत और लंबी हड्डी। ठीक है, गर्दन मजबूत एंड लंबी हड्डी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी है। तो बालक और किशोर में हम वर्गीकृत कर सकते हैं किसमें? तो कालक्रमिक आयु में, किसमें? कालक्रमिक आयु में। यहाँ पे व्यक्ति को बालक और किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी कालक्रमिक आयु है। एक किशोर 10 से 19 वर्ष के आयु का व्यक्ति है, एक बच्चा 19 साल या उससे कम उम्र का व्यक्ति है, जब एक की राष्ट्रीय कानून किसी व्यक्ति को पहले की उम्र में वयस्क होने के लिए परिभाषित नहीं करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष के चक्कर के आधार पर फिसलन जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? जैसे कि ज्वाइंट्स जो है तीन प्रकार का होता है, चल, अचल, अर्धचल। जिसमें जो फिसलन जोड़ है यानी ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, जो हमारा चल संधि होता है, छह प्रकार होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है, जो हमारे एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलती है, जिसे हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जैसे हमारे कार्पल और टार्सस ज्वाइंट होता है, उसे कहते हैं। तो ये क्या होता है? यह गैर अक्षीय जोड़ होता है। क्या होता है? गैर अक्षीय, नॉन एक्सियल ज्वाइंट होता है। और याद रखिएगा, क्योंकि ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछता है, जिसमें आपको इस बार पूछ दिया था कि हाथ उठाने में कौन सा होता है, तो एबडक्शन होगा। ठीक है, एबडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन एक्सियल है, जो हमारा फ्लेशलेन ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, कार्पस और टॉर्सस। जबकि हिंज ज्वाइंट क्या है? एक यूनी एक्सियल, एक अक्ष में गति होता है, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है, उस तरह हिंज ज्वाइंट यानी कि कब्जा संधि भी एक तरफ खुलता है, जैसे हमारा एल्बो ज्वाइंट, घुटना का ज्वाइंट, उंगलियों का ज्वाइंट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैं हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बता रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसी तरह मैं सभी टॉपिक को क्लियर करूँगी, चाहे आप EMRS का प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे अभी MP TET हुआ है, इसका मेन एग्जाम होगा, चाहे UPTGT या किसी भी स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हों फिजिकल एजुकेशन का, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपका 100% सलेक्शन होगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।